Hello kids, Namaskar. Hope you all are fine and safe at your home. As we have completed our two chapters of PA2, chapter number 8 and chapter number 9 in the last week. So, today we are going to start with the new chapter that is chapter number 10 measurement. Okay, Aaj hum एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पी टू के सिलेबस का दैट इज चैप्टर नंबर टेन मेजरमेंट नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट मेजरमेंट मींस क्या सो इन हिंदी मेजरमेंट मींस माप ओके फिर वो चाहे कोई सा माप हो राइट right? लेंथ का हो किसी साइज का हो या फिर कोई क्वांटिटी का हो ओके okay, मेजरमेंट मेजरमेंट मीन्स माप करना राइट सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ अवर थिंग्स आर गेट मेजरड ओके हमारी जितनी भी चीजें हैं वो कैसे मेजर होती हैं कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज तो होते हैं फॉर मेजरिंग थिंगस राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर राइट एट द चैप्टर आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए वट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू स्टेट द डेफिनेशन ऑफ लेंथ लेंथ की डेफिनेशन क्या है मास की डेफिनेशन क्या है वट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी टेम्परेचर टाइम ओके आपको सारी डेफिनेशन लर्न हो जानी चाहिए राइट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी टेम्परेचर एंड टाइम देन यू शुड बी एबल टू स्टेट द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरमेंट राइट कौन से कौन से डिफरेंट वेज होते हैं टू मेज़र द थिंग्स लाइक अर्लियर पीपल वेर यूज टू मेजर विथ स्पान फूट राइट बट नाउ देर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स राइट अब क्या हो गया है येस देर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग द थिंग्स राइट एंड विच इज यूनिवर्सल राइट सारे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाओ वो ही स्टैंडर्ड यूनिट्स होगी so we are going to learn about the different ways of me measurement the different units of measurements and also you should be identifying the different unit of measurement right Ke length may for measuring what is what are the different units are used to measure mass yes and their instruments also what are the units are used to measure capacity temperature time okay so you should identify that units so it is clear learning objective is clear of this chapter what is the learning objective you should be at the end of the chapter you should be able to state the definition of length mass Capacity, temperature, and time. Then, what are the different ways of me measurement? And also, you should be identifying the different units of measurement. So, it is clear? Okay. So, now let's start with the new words of this chapter. The new words you are going to write in your notebook fine so come to page number 106 so number first is measurement what is number first measurement then come to page number 107 the second new words is length लेंथ इज यूज टू फाइंड आउट हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट हाउ लॉन्ग इट इज ओके हाउ लॉन्ग इट इज हाउ टॉल इट इज वी यूज द यूनिट लेंथ देन एक्सटेंट वट इज नेक्स्ट एक्सटेंट एक्सटेंट मीन्स कि कितना दूर तक वो जा रहा है एक्सटेंट मीन्स एक्सपांशन

ते थे राइट बट नाउ देर आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स विच वी आर फॉलोइंग राइट जो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं सो अंडरलाइन स्पान यू कैन सी दिस हैंड स्पान पीपल यूज टू मेजर द थिंग इन दिस टाइप ओके हैंड स्पान से वो फिंगर से वो मापते थे देन नेक्स्ट इज फूट उनको कुछ भी टाइल्स या फिर जमीन का लैंड का कोई भी मेजर लेना होता तो होता था तब वो फूड का इस्तेमाल करते थे एंड देन नेक्स्ट इज क्यूबिट फॉर मेजरिंग डिफरेंट थिंग्स सो नेक्स्ट इज यूनिट Here, then quantity, quantity, standard. Right. What is the next new word? Standard. Next is millimeter. मिलीमीटर इज द स्मॉल लेंथ ओके जब भी हमें कोई भी स्मॉल थिंग्स को मेजर करना होता है सो वी मेजर इन मिलीमीटर सो द नेक्स्ट न्यू वर्ड इज मिलीमीटर देन नेक्स्ट इज सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट इज सेंटीमीटर, देन किलोमीटर सी किलोमीटर कब यूज होता है फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस राइट फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस जैसे कि आ, हमारे घर से आपके घर से स्कूल मेजर करना हो सो so, वो किस में मेजर होगा किलोमीटर में आपके घर से राजकोट का बस स्टैंड मेजर करना हो सो इट इज मेजर्ड इन किलोमीटर ओके डन किलोमीटर गुड सो नाउ कम ऑन पेज नंबर हंड्रेड एंड एट सो एवरी वन इज ऑन पेज नंबर हंड्रेड एंड एट

what are the three instruments ruler meter rod and measuring tape you can see in the picture right this is ruler which you are using scale then measuring tape the tailors are using and meter rod it is also used by tailors and us

mass means weight to measure weight of a thing then it is measured in milligram and grams and also kilogram so underline milligrams and gram milligram is for very light mass एंड ग्राम इज फॉर लाइट मास राइट जब हम एक एप्पल को मेज़र करेंगे तो वो ग्राम में आंसर आएगा उसका राइट right? बट हम जब वन मोर देन टू थ्री एप्पल्स को जब हम मेज़र करते हैं सो so उसका वेट के जी में चला जाता है ओके okay? किलो ग्राम में चला जाता है ये चैप्टर सॉरी दिस यूनिट्स आप लोग ने मैथ्स में भी लर्न किया होगा ये सो नो So, underline mass, amount, kilogram, milligram, and gram. Then the next is weighing balance. Okay, which instrument is used for measuring this mass? Weighing balance. के यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज वेइंग बैलेंस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द मास वेट मेजर करने के लिए वेइंग बैलेंस हेल्प करता है हमको कंप्लीटेड नाउ कम ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड नाइन एवरी वन इज ऑन पेज नंबर हंड्रेड एंड नाइन गुड

मिली लीटर एंड किलो लीटर राइट कैपेसिटी किसमें किसमें मेजर्ड होती है इन लीटर्स मिली लीटर्स एंड किलो लीटर्स डन अंडरलाइन नाउ विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर कैपेसिटी yes measuring cylinders measuring jar cup right you can see in the picture this is called measuring cylinder and this is cup and jar bhi aisa hota la, right which is used to measure the liquid okay done

Celsius and Fahrenheit. Underline it. Celsius. Then Fahrenheit. Then which instrument is used for measuring temperature? That is thermometer. Which temperature? Uh, which Instrument dear kids, which is used to measure temperature, thermometer done. Then the last is how time is measured. So, underline the new words time, time is measured.

एंड कौन से कौन से टॉपिक्स के टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ओके सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ राइट हम इस टॉपिक में सब कुछ लेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेंथ को हम लेंथ की डेफिनेशन क्या है हाउ इट इज़ यूज अर्लियर पीपल कैसे यूज़ करते थे नाव हम कैसे यूज कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है राइट उसके यूनिट्स क्या है फॉर मेजरिंग इट दट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेंथ इन दिस टॉपिक ओके एंड ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यूजिंग लेंथ राइट जबी भी हमें कोई भी लेंथ को मेज़र करना है सो so कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेज़रमेंट ऑफ मास कोई भी चीज़ को जब हमें वेट करना होगा कि उसके अंदर कितना सब्सटेंस है राइट right? वो कितने ग्राम का है वो कित, उसमें कितना वज़न है दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक देन सी ऑल द यूनिट्स आर डिफरेंट राइट मास में आपको यूनिट्स डिफरेंट होंगे लेंथ के यूनिट सिर्फ आपको लेंथ मेजर करने के लिए हेल्प करेंगे मास के यूनिट्स आपको मास मेज़र करने के लिए हेल्प करेंगे आप लेंथ को अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या आप लोग ग्राम यूज़ करोगे मिलीग्राम यूज करोगे नो no. आप उसके ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे एंड उसके ही यूनिट्स आप फॉलो करोगे राइट right? तभी ही आपको आंसर करेक्ट आएगा ओके सो अबाउट मास वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक देन नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ये टॉपिक में हम लिक्विड को कैसे मेज़र करना है वो हम पढ़ेंगे कि लिक्विड कैसे मेजर की जाती हैं आपके घर पे ऑयल के कैन जाते होंगे राइट फिल्टर की बॉटल आती होगी ये सो नो दवाई की बॉटल आती होगी वो कैसे उसको मेजर करना होता है कि उसमें कितना लिक्विड समाया है व्हाट इज़ यूज टू मेज़र दैट इट इज वॉट इज यूज कैपेसिटी इज यूज ओके कैपेसिटी से हमें पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट में जो भी कंटेनर होगा राइट right? कि उसमें कितना लिक्विड है यस एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न विच आर द यूनिट्स आर यूज टू मेजर द कैपेसिटी एंड वॉट आर द इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द कैपेसिटी

तो वो भी हम चेक कर सकते हैं सो बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं रूम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं यस एंड ऑल्सो जो प्लेस और सिटी के टेम्परेचर अगर हमें चेक करने हैं सो वो हमें अपने फोन्स में मिल जाते हैं राइट right? आपके फोन में वेदर का भी कुछ होगा राइट right? वेदर का भी एक अहम्प होता है

about time also we are going to learn in this topic so do you understand what we are going to learn in that in this topic good so today you all are going to read this chapter yes now come on page number 106 we will complete this activity today ये जो एक्टिविटी दी है वो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं सो कम ऑन पेज नंबर हंड्रेड एंड सिक्स विथ योर पेंसिल एंड इरेजर नाउ फर्स्ट इज मेजरमेंट इज द वे ऑफ फाइंडिंग द लेंथ साइज और द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजरमेंट मींस क्या मेज़रमेंट मीन्स टू फाइंड दी लेंथ साइज उसकी क्वान्टिटी राइट right. जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए उसको अगर आपको मेज़र करना है दैट इज़ कॉल्ड मेज़रमेंट वी मेज़र डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट वेज क्या सबको मेज़र करना एक जैसा ही होता है नो no. डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं उन्हें भी मेजर करने के लिए राइट right? आप लिक्विड एंड आपका फूड उन दोनों को सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे क्या सेम यूनिट से मेजर करोगे क्या नो इट इज रॉन्ग राइट सो डिफरेंट थिंग्स आर मेजर इन डिफरेंट वेज नाउ टू मेजर हाउ लॉन्ग अ पेंसिल और रोप इज वी मेज़र इट्स लेंथ अगर हमें लॉन्ग देखना है कि हमारी पेंसिल जो है उसकी लेंथ हमें मेज़र करनी है कि वो कितनी बड़ी पेंसिल है तो हम कौन सा मेज़र यूज़ करेंगे लेंथ ओके टू मेज़र हाउ हैवी अ बैग ऑफ सॉल्ट इज वी मेज़र इट्स माज अगर हमें कोई भी हैवी बैग का पता करना है कि वो कौन सी कितना भारी है सो वी विल यूज़ इट्स मास हम किस में उसका मेज़र करेंगे मास में मेज़र करेंगे राइट सो जब भी हमें पता करना हो कि इस चीज़ की साइज़ कितना है वो कितना लंबा है राइट right? अगर पेन की आपको फाइंड आउट करना है कि पेन कितना सेंटीमीटर है कितना लॉन्ग है कितने साइज़ का है कितने फिट का है, so you will measure it in the length and for finding finding the heavy thing right heaviest कुछ भी find करना हो कि वो हल्का है कि भारी है so for that we measure it in the mass हम उसको किसमें measure करते हैं mass में measure करते हैं right so dear kids आप लोग भी आपके ममा पापा के साथ जाते हैं मार्केट में यस yes, टेलर के पास जाते होंगे मम्मी के साथ सो so, जब भी वो टेलर अंकल होते हैं उनके पास आपने देखा होगा उनको क्या करना होता है मेज़र करना होता है ना क्लोथ मेज़र करना होता है राइट सो so, उनके पास क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेज़रिंग टेप होता है राइट रूलर्स होते हैं एक ट्रॉप भी होता है साथ में उनके एंड जब आप मार्केट में जाते हो कोई भी सेलर के पास राइट right? सो so, उनके पास क्या होता है वेइंग मशीन होता है क्योंकि उनको क्या करना होता है मास मेजर करना होता है राइट सो डिफरेंट थिंग्स आर मेजर्ड इन द डिफरेंट वेज सो नाउ हियर अंकित एंड दीप्ति गो टू डिफरेंट शॉप टू बाय थिंग्स अंकित और दीप्ति ये दोनों जन शॉप में गए हैं और वो भी दोनों अलग अलग शॉप में गए हैं टू बाय थिंग्स राइट यू कैन सी इन द पिक्चर जो अंकित है वो कहाँ पे गया है डिया कैंस कौन से शॉप में गया है अंकित कौन से शॉप में गया है यस yes, टेलर के शॉप में गया है राइट right? एंड जो दीप्ति है वो कौन से शॉप में गई है यस फ्रूट शॉप में गई है सो so, दोनों की थिंग्स जो है वो डिफरेंट होगी यस ओ नो सो उनको मेजर करना भी डिफरेंट होगा ना उनको भी मेजर भी डिफरेंट वे में किया जाएगा ये yes, यस उनके यूनिट्स अलग होंगे उनके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होंगे उनको मेजर करने का तरीका भी अलग होगा यस सो नाउ लेट्स फील द ब्लैंक्स विच इज गिविन बिलो टू बाय अ लॉन्ग रिबिन वी नीड टू नो इट्स अगर अंकित को एक रिबन बाय करनी है सी वी विल रीड द कन्वर्जेशन ऑफ अंकित एंड द लेडी व्हाट अंकित इज सेइंग प्लीज गिव मी अ लॉन्ग रिबन अंकित ने क्या बोला वो लेडी को मुझे एक लॉन्ग रिबन चाहिए यस सो वॉट लेडी इज स्पीकिंग टेल मी लेंथ ऑफ द रिबिन लेडी ने क्या बोला कि आपको कितनी लेंथ का चाहिए टू मीटर का चाहिए थ्री मीटर का चाहिए आप मुझे उसकी लेंथ बता दो यस सो टू बाय अ लॉन्ग रिबिन वी नीड टू नो इट्स हमें उसका क्या पता चल पता रहना चाहिए For buying the ribbons, we need to know its length, right? So write down the spelling of length, L E N G T H. Length. Yes, for buying the ribbon, अगर हमें ribbon buy करना है या फिर piece of cloth buy करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितने length का हमें चाहिए एंड ऑल्सो वो हम किस मेजर से पता चलेगा हमें बाई इट्स देन नेक्स्ट इज लेट सी द कन्वर्सेशन ऑफ दीप्ति एंड द शॉपकीपर दिप्ति सेइंग प्लीज गिव मी सम एप्पल्स दीप्ति ने क्या कहा दैट प्लीज गिव मी सम एप्पल्स सो वॉट देट मैन इज सेंग यू नीड टू टेल मी द मास राइट मैन क्या बोल रहा है कि, कि आपको प्लीज सी मी द मास राइट कितने के जी चाहिए कितने ग्राम चाहिए हमें उसको माँस तो बताना होगा ना सो टू बाय सम्पल्स वी नीड टू नो देअर मास अगर हमें एप्पल बाई करने हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल बाई करना है या फिर पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट कितना हैवी है सो वी नीड टू नो देयर मास सो डियर किड्स राइट डाउन देयर मास मासबल एस मास कंप्लीटेड सो फॉर बाइंग द लॉन्ग रिबिन हमें क्या पता होना चाहिए उसकी लेंथ पता होनी चाहिए एंड फॉर बाइंग सम एप्पल्स हमें उसका मास पता होना चाहिए राइट सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट मेजरमेंट हम ये चैप्टर में और भी बहुत सारे मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं लाइक मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ टाइम राइट

एंड ऑल्सो टू रीड दिस चैप्टर राइट आपको ये चैप्टर एक बार पूरा रीड भी करना है ओके सो बाय के टेक केयर